सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ तौसीफ। और अभी जो ये हमारे सामने जो इंजन है, यह है कमिंस की अतुल्या इंजन जो BS6 में आता है। ठीक है, तो इस इंजन का हम अभी टोटल सेंसर के बारे में जानेंगे और इसके कलर कोड को भी देखेंगे कि आखिर इसका कलर कोड कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक एक सेंसर पर बात करेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहें। सबसे पहले तो हम क्रैंक सेंसर पर बात कर लेते हैं। तो क्रैंक सेंसर ये है हमारा डैम्पर पुल्ली, और डैम्पर पुल्ली के जस्ट ऊपर ये रहा हमारा क्रैंक सेंसर लगा हुआ है। और इसका कभी कभी क्या होता है कि सेंसर का वायरिंग टूट जाता है। ठीक है, तो आप पता ही नहीं चल पाता है कौन सा किधर लगेगा। तो आप देख लीजिए इसका कलर कोड क्या, बीच में ब्लैक है, लेफ्ट साइड में ब्राउन है और उधर बैगनी, उस टाइप का कलर है। ठीक है, तो ये क्रैंक सेंसर है जो डैम्पर पुल्ली के ऊपर लगता है। और इसका जो आपका ये देख लीजिए, ये क्रैंक सेंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो सेंसर है हमारे पास, और ये तार यहाँ से लेके यहाँ तक धीरे धीरे ऊपर आता है, ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। क्या है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर? और ये भी दो तार का आता है। ठीक है, और टोटल सेंसर के बारे में अभी हम बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये अभी BS6 में नया दिया है, इसे कहते हैं ETV, एग्जॉस्ट थ्रॉटल वाल्व। ठीक है, इसका कपलर आपको ये रहा, इसका कपलर ये इस जगह पे लगता है। फिलहाल तो ये टूट गया है, अभी ये ऑर्डर में है, नया आएगा तो इसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो ETV भी आप देख लिए। उसके बाद ये आपका इस जगह पे देख लीजिए इंजन, इस जगह पे आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। आपको हम लाइट जला देते हैं। ये रहा आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर, जो आपको इंटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर, ये है आपका जिसमें चार तार लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं गोल सा, ये है आपका ITV, इंटेक थ्रॉटल वाल्व। ठीक है, ये भी BS6 में नया दिया है। ठीक है, अब पीछे आ जाते हैं और क्या क्या चेंजेस है वो भी देख लेते हैं। अब ये पूरा इंजन का बैक साइड है, और इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है इंजेक्टर का, इस जगह से बैकलिक निकलता है। तो अभी से पहले के टाइम की गाड़ियों में क्या था कि इसके पीछे वाला जो बैकलिक था वो आपका वाल्व में नहीं था। अभी जो है इस पर वाल्व दिया हुआ है, वो वाल्व अभी खुला हुआ है, जब आएगा तो वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको तो आप ECM का J1 कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर भी अभी ECM का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, और ये हमारा टर्मिनेटिंग रजिस्टर। ठीक है, और इसमें इसका जो है रेल प्रेशर सेंसर भी चेंजेस है। पहले का जो रेल प्रेशर सेंसर था उसका, पहले का जो रेल प्रेशर सेंसर है उसमें, मतलब कि इस वाले में 4 वायर दिया हुआ, और पहले के रेल प्रेशर सेंसर में 3 वायर था, और ये वाला रेल प्रेशर सेंसर में 4 वायर दिया हुआ। अभी क्या है कि एक तो इसके अंदर का प्रेशर बताएगा कितना है, और दूसरा एक वायर इसके अंदर जितना टेम्परेचर है उसको भी बताएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे इधर जो आ जाते हैं, तो इधर हमको मिलेगा मोबिल प्रेशर, जो मतलब कि मोबिल इसके अंदर कितना प्रेशर है, मोबिल कितना है उसमें है, जिसमें ये एक तार का सेंसर है ऑयल प्रेशर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैम सेंसर कहाँ पर लगा हुआ रहता है। कैम सेंसर आपका, ये रहा कैम सेंसर का तार, और सेम जैसा क्रैंक सेंसर है उसी तरह का कलर कोड है इसका भी, और ये जाके पूरा पंप के पीछे जाके उस कोना में जाके फिट हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका, ये यही टेम्परेचर सेंसर है, उस समय भी हमने आपको बताया। ठीक है, ये आपका मीटरिंग वाल्व, ठीक है, पंप का मीटरिंग वाल्व, जिसके अंदर दो तार लगा हुआ रहता है, और 1.03 इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा, और इस पर 5 वोल्ट और एक ग्राउंड आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और कनेक्शन दिया हुआ रहता है, हालांकि अभी वो सेंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गाड़ी थोड़ा एक्सीडेंट किया हुआ था, फिर भी हम आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये है हमारा क्रैंकेस पोजीशन सेंसर, ये क्रैंकेस में लगा हुआ होता है। तो ये भी सेंसर अभी BS6 में एक्स्ट्रा दिया हुआ है गाड़ी में। ठीक है, एक इसमें एक नया चेंजेस है, इस पर एक EPS भी दिया हुआ है, जो इस साइलेंसर के अंदर इसका पाइप लगा हुआ रहता है, ये वाला पाइप है, और इस साइलेंसर के अंदर अगर सामने से, अगर ये साइलेंसर आगे से कहीं पे चौक होगा
ठीक है, तो ये ईपीएस वाला वाल्व खुलेगा और आपका चेक लैम्प जल जाएगा गाड़ी में, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका साइलेंसर वाला पाइपलाइन कहीं ना कहीं, इसका पाइपलाइन पूरी तरह से चौक है। अब बाकी सब कुछ सेम है, जैसे BS4 में था उसी तरह से BS6 में भी दिया हुआ है, और A to Z बाकी जितना भी चीज़ है सब कुछ गाड़ी में सेम दिया हुआ है। सेम जगह पे इंजेक्टर फिटिंग है और सेम वायर लगा हुआ है। जो अतुल्या मॉडल होगा उस पर मतलब कि इसके अंदर का इंजन कंट्रोल का वाल्व नहीं लगा हुआ होगा, इंजन कंट्रोल का वायर इसके अंदर नहीं जाता है। और जो अश्वमेध मॉडल होगा उसके अंदर इंजन के अंदर भी वायर जाता है, ठीक है, जो इंजन कंट्रोलर का वायर है। तो आपको हम दूर से भी दिखा देते हैं, इसका दूर से भी व्यूज आपको लेके दे रहे हैं, ठीक है। और इसका सामने का जो पोजीशन है वो भी आप देख लीजिए ध्यान से, और कलर कोड तो आपको बता ही दिए। कभी भविष्य में अगर ये सब टूट जाता है, अक्सर होता है, हम लोग बहुत बार किए हैं, तो ये सब टूट जाता है और फिर मैकेनिक को पता ही नहीं रहता है कौन सा तार किधर रहेगा, फिर उल्टा पुल्टा करके फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इस जगह का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। तो यही था फ्रेंड्स, यही सब चेंजेस है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।